बहुत मतलब बहुत अच्छी है पिक्चर। मुस्लिम बॉयज शुड सी दिस पिक्चर, एक्चुअली सबको देखनी चाहिए। इमोशनल हो गया एकदम, ऐसा लगा कि एक सच्चाई हमारे स्क्रीन पे सामने, सीख ऐसा मिल रहा है। गलत काम करेंगे तो गलत ही नतीजा निकलेगा ना। पिक्चर बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगे। बहुत जो ये बोलते हैं जन्नत मिलेगा, कुछ मिलता नहीं, जन्नत बन्नत नहीं मिलता, इस नर्क में रहते हैं, ये सब कहने की बात है। ये लोग को बोला जाता है कि जन्नत मिलेगी, गलत काम करो, अल्लाह अपने साथ ऐसा करे, उसे कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। और स्टोरी के बारे में क्या, कितना इम्पैक्ट किया? पिक्चर बहुत मतलब बहुत अच्छी है पिक्चर, तो चलना चाहिए क्योंकि थिएटर पब्लिक को जाना चाहिए, देखना चाहिए तो समझ में आएगा। खासकर मुस्लिम लोग को जाना चाहिए देखने के लिए, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए कि ऊपर जाके कुछ नहीं मिलता, सब यहीं पे है, ये सब गलत है। पाँच में से मैं तो 5 दूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये पिक्चर, बहुत मतलब बहुत अच्छी है पिक्चर। So the movie was really good, the concept was really good, the way the Kerala story they directed, the same it is, I would like Muslim boys should see this, 72 Hoores, likewise Hindu girls should see the Kerala story, Muslim boys should definitely watch. I really loved the movie, the concept was really good. The both the lead heroes was really superb as the versatile actors they are, so they were really superb. 5 out of 5. हाँ पिक्चर तो काफ़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, और ये पिक्चर तो एक्चुअली सबको देखनी चाहिए। और ये पिक्चर के बारे में, आतंकवादियों के बारे में बताया है कि कैसे मुसलमानों को बताया जाता है कि मरने के बाद जन्नतें मिलेंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ जन्नत नहीं मिलती है, बुरा कर्म करोगे तो इधर ही मरोगे तुम लोग, और कुछ नहीं। हाँ यंगस्टर्स को तो काफ़ी अच्छे देखनी चाहिए, मैं भी एक यंग लड़की हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इनफैक्ट यंग लड़कों लड़कियों को देखना चाहिए, उनको सीख मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ताकि वो आतंकवादियों में उसमें ना जाए, संगठनों में वो अपना काम करे, पढ़ाई लिखाई यही सब करे। 5 on 5 मैं दूंगी। थैंक यू। हाँ 72 Hoore पिक्चर, वो पुरानी जो दर्द भरी कहानी थी आतंकवादी का जो हमला किया था वो याद हो गया, और पुरानी यादें ताज़ी हो गई और आंखें भर गए और एकदम इमोशनल हो गया, एकदम ऐसा लगा कि एक सच्चाई हमारे स्क्रीन पे सामने देखने से ये हो गया कि आतंकवादी कितना कैसे गलत काम करते हैं, और बाद में एहसास भी होता है जो मरने के बाद वो दिखाई दिया इस पिक्चर में। तो यही हुआ कि एकदम आँखें नम होकर थिएटर से निकले हैं। अच्छी पिक्चर लगा, अच्छा बहुत अच्छा लगा पिक्चर। हाँ पहले तो मुझे लग रहा था कि उतना अच्छा नहीं है, लेकिन देखने के बाद लगा बहुत अच्छी डायरेक्शन है, अच्छा पिक्चर बनाया है। 5 में से 4 तो मिलना चाहिए। मूवी अच्छी लगी, और हम लोग के सीख ऐसा मिल रहा है कि ये जो बोलते हैं कि मतलब ऐसा करो, ये धर्म में किसी धर्म को ऐसा सिखाया नहीं गया है कि तुम गंदगी करो, किसी को मारो, किसी बेकसूर को मारो पीटो, उससे मतलब अच्छा ऊपर जाकर के जन्नत मिलने वाला है या स्वर्ग मिलने वाला है। अच्छा काम करोगे अच्छा काम का अच्छा ही नतीजा मिलने वाला है, बुरा करोगे बुरा ही नतीजा मिलने वाला है, इससे यही सीख मिलता है। ये सब जो बोलते हैं मौलाने लोग कि मतलब वहाँ पे जा कर के ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब कुछ नहीं है, इससे बच्चे को भी दिमाग खुलेगा और आगे जो ना मतलब अपना दिमाग में जो गंदगी भर के रखे है उसको देखने लायक है, कि इससे समझ मिलेगा कि ये सब फालतू की चीज़ है। हम अच्छा काम करेंगे तो ऊपर वाला है, चाहे अल्लाह हो या भगवान हो, सबको अच्छा ही दिखाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा ही करेंगे, किसी को बुरा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा है। पिक्चर बहुत अच्छी थी, और मतलब कोई भी हो जो भी गलत काम करेगा, तो फिर चाहे कोई भी हो गलत काम करेंगे तो गलत ही नतीजा निकलेगा ना, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, तो बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा दिखाया उसमें। थैंक यू। एक्टिंग बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, और मतलब अच्छे काम करते रहने चाहिए बस, खाली मतलब सीधा सा ये हिसाब है कि गलत काम करेंगे तो गलत ही हमारे ऊपर आएगा ना, अगर अच्छा काम करेंगे तो हमको अच्छी चीज़ें मतलब मिलेंगी, भगवान के पास भी जाके बस। थैंक यू। बहुत अच्छी लगी, जो दिखाए वो सब लोग को मालूम होना चाहिए, पिक्चर बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी लगी पिक्चर, ऐसे दिखाइए, ऐसे हम लोग आते रहे देखने के लिए, बहुत अच्छी पिक्चर लगी। सही, बहुत अच्छी लगी, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी।